आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। अगर आप लोग पेटीएम का केवाईसी करना चाहते हैं तो बड़ी गुड न्यूज है दोस्तों। अब आप लोग जो है पेटीएम का दोस्तों केवाईसी कर पाएंगे दोस्तों। पेटीएम का जो फुल केवाईसी है दोस्तों कर पाएंगे आधार कार्ड की मदद से। अगर दोस्तों आप अपना पेटीएम का केवाईसी करने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर आपके सामने दोस्तों इस तरीके का डिटेल शो कर रहा होगा। जैसे कि दोस्तों आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, इनमें से दोस्तों कोई भी डॉक्यूमेंट आपके यहाँ पर मांग रहा है दोस्तों। जैसे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल रहा है। किस तरीके का एरर देखने को मिल रहा है चलिए दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है केवाईसी करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं तो हम सभी को एक एरर इस तरीके का शो कर रहा है और हम लोग दोस्तों पेटीएम का जो केवाईसी है कंप्लीट नहीं कर पा रहे, फुल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप सभी के लिए एक बड़ी लेटेस्ट यहाँ पर जो खुशखबरी मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, बड़ी गुड न्यूज लेकर आया हूँ। अब आप लोग दोस्तों घर बैठे अपने मोबाइल फोन से अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप दोस्तों केवाईसी कर पाएंगे। ठीक है, आपको दोस्तों कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए। इस तरीके का दोस्तों आपके पास अगर आधार कार्ड होगा दोस्तों, ठीक है, तो आप दोस्तों अपना जो मोबाइल फोन से घर बैठे फुल केवाईसी कर सकते हैं। और आप दोस्तों केवाईसी कर लेते तो यहाँ पर जो आपको काफी तरीके का बेनिफिट भी मिलेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ दोस्तों दिखाने वाला हूँ कि आप पेटीएम पर केवाईसी किस तरीके से कर सकते हैं। सारा प्रोसेस दोस्तों ए टू जेड जानकारी हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, केवाईसी अगर करना है तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपना जो है पेटीएम एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना होगा। यहाँ पर दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आप इसको जो है अनइंस्टॉल कर देंगे। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पर जो है डिलीट कर देना है। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, अगर आप पुराने यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन रखोगे केवाईसी नहीं होगा, फिर मुझे मत कमेंट करना कि सर मेरा केवाईसी नहीं हो रहा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस वीडियो को दिल से लाइक कर देना है। यार आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक का बटन दिख रहा है लाइक कर दो, एंड दोस्तों सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है सब्सक्राइब जरूर कर दो दोस्तों, और यहाँ पर जो है ऑल पे इसे जरूर सेट कर देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो लिख करके आ रहा है पेटीएम केवाईसी कैसे करें, इस पर क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको मोर में क्लिक करना है और यहाँ पर एक पेटीएम लिंक मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों जैसे क्लिक करते हैं अब आपके सामने दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन आ जाएगा। अब यहाँ से जो है आपको अपना पेटीएम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। अब यहाँ पर काफी लोग बोलेंगे कि भाई कि तुमने केवाईसी किया है या नहीं किया, सबसे पहले अपना प्रूफ दिखाओ। तो यहाँ पर दोस्तों जब तक ये डाउनलोड होगा तब तक मैं आपको दिखाता हूँ मैंने दोस्तों केवाईसी किया है या नहीं किया है। एंड यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे मेरा जो है पेटीएम एप्लीकेशन का मैंने दोस्तों स्टेटस बार मैंने खोल के रखा हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पेटीएम केवाईसी दिस कंप्लीट। एंड यहाँ पर दोस्तों हमारा नाम देखने को मिल रहा है जिसको मैंने ब्लर करके रखा हुआ दोस्तों। एंड यहाँ पर जो है मेरा पेटीएम केवाईसी दोस्तों यहाँ पर जो है ऑलरेडी हो रखा है दोस्तों। एंड यहाँ पर मैं अपने वॉलेट से दोस्तों 1,00,000 रुपए तक का लेन देन कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर जो है मुझे एक एटीएम कार्ड भी दोस्तों पेटीएम की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज कन्फर्म हो चुका होगा आप लोग को, मेरा केवाईसी दोस्तों हो रखा है और आप लोग का भी केवाईसी अभी तुरंत हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पेटीएम एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा, ओपन करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों मैं जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से आपको फॉलो करना है, सारे स्टेप्स को अच्छे तरीके से फॉलो करना है, तभी जाकर के आप यहाँ पर केवाईसी कर पाओगे। तो केवाईसी दोस्तों फुल करने के लिए आपको यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर दोस्तों डालना है। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर उसी मोबाइल नंबर को डालना है दोस्तों जो मोबाइल नंबर से आप जो है यहाँ पर दोस्तों पेटीएम चलाना चाहते हैं। एंड दोस्तों डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के लॉग इन करेंगे। चलिए मैं फटाफट से सारा कंप्लीट कर देता हूँ। अब दोस्तों आपका जो है पेटीएम एप्लीकेशन दोस्तों पूरी तरीके से जो है अब आपका ओपन हो चुका है। आप सबसे पहला दोस्तों आपको यहां पर काम करना है इस पेटीएम एप्लीकेशन के अंदर, आपको अपना बैंक अकाउंट को सबसे पहले जोड़ना होगा दोस्तों, तभी जाकर के जो है हम लोग यहां पर केवाईसी कर पाएंगे। तो जोड़ने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली से आपको इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों जैसे इस प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा दोस्तों, देख सकते हैं यूपीआई पेमेंट सेटिंग्स, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा एड बैंक अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे दोस्तों हम इसमें क्लिक करते हैं आपके सामने दोस्तों इस तरीके का पूरा बैंक का दोस्तों लिस्ट आ जाता है। अब आपको यहां पर जो है आपको अपना बैंक अकाउंट को दोस्तों चूज करना होगा, यानी कि लिंक करना होगा, तभी जाकर के दोस्तों आप यहां से जो है केवाईसी कर पाएंगे। अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो आपका यहां पर केवाईसी जो दोस्तों संपूर्ण रूप से दोस्तों आपका कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, फिर आप परेशान होते रह जाओगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारा जो बैंक है वो एयरटेल पेमेंट बैंक है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, एयरटेल पेमेंट बैंक यहाँ है, हम लिंक कर देंगे। आपका दोस्तों जो भी बैंक होगा आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, जो भी बैंक का नाम होगा वो आप सर्च करेंगे। जैसे कि हमारा एयरटेल पेमेंट बैंक है तो इसमें हम क्लिक कर देंगे, इस तरीके का वेरीफाई होगा और लॉग इन हो जाएगा। सक्सेसफुल दोस्तों हमारा जो है लिंक हो चुका है इस तरीके का। एंड दोस्तों लिंक होने के बाद अब हमारा यहाँ पर जो काम है दोस्तों लमसम हो चुका है, हम यहाँ पर बैंक आएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपका जो काम है सक्सेसफुल हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर जो है आपको किसी को दोस्तों यहाँ पर जो 1 रुपये 2 रुपये किसी को भी दोस्तों पैसे भेजना है। तो पैसे भेजने के लिए दोस्तों आपको याद रखना है यहाँ पर जब तक हम पेमेंट नहीं करेंगे तब तक जो है हमारा यहाँ पर जो काम है दोस्तों वो पेटीएम केवाईसी का दोस्तों संपूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों को अभी तक जानकारी इसका नहीं है और काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं इसी के कारण की वजह से यहाँ पर जो है पेटीएम नहीं, यहाँ पर जो है केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको जो है इस तरीके का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले यहाँ पर जो है किसी को 1 रुपये पैसा भेजना है,
तो पैसा भेजने के लिए आप स्कैन में क्लिक करेंगे एंड दोस्तों आप यहां पर अलाउ टू एक्सेस में क्लिक करेंगे, यहां पर जो है परमिशन देंगे और किसी क्यूआर कोड में दोस्तों यहां पर जो है 1 रुपये 2 रुपये या 10 रुपये किसी को सिर्फ यहां पर भेजना है। एंड दोस्तों यहां पर मैं चलिए भेज के दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पर मेरा एक क्यूआर कोड मैंने यहां पर स्कैन कर देता हूं, स्कैन मैंने दोस्तों कर दिया है, 1 रुपया अमाउंट डाल देता हूं। एंड यहां पर दोस्तों क्या करेंगे आप यहां पर 1 रुपया डालने के बाद आप अपना पेमेंट यहां पर दोस्तों कर देंगे। पेमेंट करने के बाद दोस्तों क्या होगा आपका पैसा दोस्तों चला जाएगा। उसके बाद अब हम लोग यहां पर जो है पेटीएम केवाईसी दोस्तों कर सकते हैं। तो पेटीएम यहां पर पैसा चला जाएगा उसके बाद आपको अब यहां पर बैक आना है फटाफट से। चलिए मैं बैक आता हूं। एंड दोस्तों यहां पर बैक आने के बाद आपको यहां पर सर्च बार में आना है दोस्तों एंड यहां पर आपको टाइप कर देना है। तो दोस्तों हमारा लाइट जो है चला गया फिलहाल, ठीक है। तो यहां पर कोई नहीं, हम लोग फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। एंड यहां पर दोस्तों हम सर्च करेंगे पेटीएम, यहां पर केवाईसी लिख करके आपको सर्च करना है सिंपली से। एंड दोस्तों जैसे केवाईसी लिख के सर्च करते हैं केवाईसी नियर पॉइंट आएगा, इसमें आपको क्लिक करना है। एंड दोस्तों आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपने दोस्तों पहले से वॉलेट को एक्टिवेट करके रखा होगा तो यहां पर अपग्रेड का ऑप्शन आएगा। अगर आपका न्यू है दोस्तों तो आपके सामने इस तरीके का पेज नहीं आएगा, आपके सामने दोस्तों दूसरा पेज खुल करके आएगा। तो यहां पर दोस्तों देखिए सेलेक्ट योर कंप्लीट केवाईसी फ्री, यानी कि दोस्तों हमारा जो केवाईसी यहां पर कंप्लीट किया जाएगा वीडियो केवाईसी, तो यहां पर हम कंप्लीट में क्लिक करेंगे एंड दोस्तों टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और यहां से दोस्तों आधार कार्ड का नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी अकाउंट न्यू बनाया है तो आपको केवाईसी करने के लिए दोस्तों केवाईसी सेंटर जाना होगा। आपको दोस्तों किसी भी नजदीकी केवाईसी सेंटर में जाकर के दोस्तों आपको जो केवाईसी करना होगा। ऑनलाइन आप अभी आप नहीं कर पाएंगे, पुराना लोग यहां पर जो है इस तरीके से कर पाएंगे घर बैठे पुराने लोग।